हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, रियल लाइफ विद सपना में। सो गाइस, मैं यहाँ पे नाइट को अपना किचन दिखा रही हूँ कि काफ़ी देखो कितना ज़्यादा मतलब गंदा हो गया है। तो यहाँ पे मतलब डिनर वगैरह सभी लोगों का हो चुका है गाइज। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने मतलब नाइट रूटीन, मैं कैसे मतलब किचन को मतलब साफ वगैरह किचन को क्लीन करती हूँ। और मैं आज डीप क्लीन करने वाली हूँ। डेली में तो डीप क्लीन नहीं कर पाती हूँ, और क्योंकि क्या है रीजन ना कि बहुत ज़्यादा भी 2 दिन पहले पटना में बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, बहुत तेज़ तूफान आया था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब घर इतना ज़्यादा डस्ट वगैरह हो चुके हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा चलो मैं एक एक मतलब करके क्लीन करूँगी, जैसे आज किचन करती हूँ। तो ये सैटरडे नाइट का ब्लॉग है गाइज, क्योंकि क्या होता है ना कि दिन में मुझे मतलब कि बहुत भागम दौड़ मची रहती है, और बच्चों का स्कूल ना सैटरडे तक था ही, तो मॉर्निंग में मुझे इतना डीप क्लीन करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा चलो आज नाइट को ही ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। और थोड़े ना इधर मेरे ना पेन हो गया थे, बैक पेन हो गया थे, तो मैंने ना मेडिसिन वगैरह मैंने खाया था, तो मेरी तबीयत थोड़ी सही लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं ना ये सब बर्तन वगैरह क्लीन करके कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है ना तो उसकी भी तबीयत सही नहीं चल रही है, तो वो आज उसने छुट्टी ले रखी है। तो बर्तन वगैरह भी क्लीन और झाड़ू पोछा ये सब कुछ मुझे करने पड़ रहा है। तबीयत ख़राब है फिर भी करने पड़ रहे, क्योंकि ये काम तो छोड़ नहीं सकती हूँ ना, और कुछ काम हो तो छोड़ भी सकती हूँ, बट ये मतलब सफाई वगैरह या बर्तन वगैरह या झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह तो इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत सारा तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो ये नाइट का है, तो यहाँ पे डिनर वगैरह हो चुका है हम लोगों का। तो उसके बाद मैं बर्तन जो है, तो मैं कुछ बर्तन मैंने क्लीन किया था, कुछ बर्तन और मैं क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मैं जितने मतलब जितना भी है जैसे कि खाना खाने का जो भी बच जाता है उसको सारे को जो फ्रिज में रख दूँगी, और जो बाकी जो फेंकने का जो भी होगा उसे मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। तो मैं जो क्या होता है ना कि जो प्लास्टिक की जो थैली होती है, तो मैं सारे कचरे को उसी में डाल के और डस्टबिन में डालती हूँ, जिससे कि ना डस्टबिन भी गंदा नहीं होता। और देखो ये जो किचन में जो विंडो है ना, इसे मुझे क्लीन करना, ये मतलब इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये यहाँ पे जाली लगी हुई है, तो जो कपड़े थे ना वो एकदम ब्लैक हो गए थे, साफ मैं कर रही थी, तो बीच बीच में मैं मतलब पानी से भी यहाँ पे कपड़े को भिगा भिगा के यहाँ साफ़ कर रही थी। तो मुझे मतलब यही साफ़ करने के लिए बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, और यहाँ पे ना नाइट का टाइम था, मतलब तकरीबन 10 बज रहे थे और घर के सभी लोग सो चुके थे। क्योंकि क्या होता ना, अगर मैं ये सब सारे काम ना दिन में करूँगी ना तो हब्बी जी ना करने नहीं देते, क्योंकि उनको लगता कि मैं गिर विर ना जाऊँ, क्योंकि इस टाइप से जब भी मैं सफाई फाई करती हूँ। बट क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है, मुझे करनी पड़ती है, मतलब मुझे क्या मतलब जो भी अकेले हैं तो उनको करनी ही पड़ती है। और मुझे भी थोड़ा डर लगता है कि कहीं पैर वगैरह स्लिप लिप ना हो जाए, बट मैं मतलब थोड़ा मतलब ध्यान रख के सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना ऊपर में अभी ओपन ही है, तो ये क्या होता है ना, जाली लगा हुआ यहाँ पे, मतलब शीशे वगैरह लगे हुए, तो ये काफ़ी गंदा हो गया था उस दिन। खिड़कियाँ ना कभी कभी खुली रह जाती है, तो बस मैं यहाँ पे खाना वगैरह बनाती हूँ, तो मैं मतलब डेली देखती थी, तो मैं डेली सोचती थी आज करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी, और थोड़ा मतलब पेन वगैरह जो हो रहा था ना तो इस वजह से मैं इग्नोर कर रही थी। बट मैंने सोचा चलो आज कर लेती हूँ, और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मतलब इस तरह का कुछ कुछ काम होता है ना, तो मैं नाइट को भी मतलब कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो सारी सफाई मतलब लगभग मेरी हो चुकी है, तो यहाँ पे नीचे भी मैं थोड़ा पोछा वगैरह लगा दे रही हूँ, क्योंकि नाइट को यहाँ पे मैं नीचे में मतलब फर्श पे ना पोछा जरूर लगाती हूँ, जैसे कि बर्तन वगैरह
जैसे डेली तो मेरी हॉस्टल पर मॉर्निंग में आती है ना, तो बर्तन वगैरह तो सिंक में होते हैं, बट मैं ना बर्तन को क्या करती हूँ, जितने जूठे वगैरह होते हैं ना सबको धो के ही सिंक में रखती हूँ, और यहाँ पे मैं पोछा लगा के ही सोती हूँ, क्योंकि क्योंकि मतलब किचन में थोड़ा गंदा वंदा हो जाता है, तो मैं यहाँ पे तो समझो कि दिन में 2-3 बार ही मैं पोछा यहाँ पे लगाती हूँ जब भी मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। तो रूम वगैरह में तो मॉर्निंग में ही लगता है, बट यहाँ पे मैं 2-3 बार लगा देती हूँ, तो वही मैं लगा रही थी। तो क्योंकि मैंने सफाई की थी ना, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब गंदगी वगैरह हो गई थी, और ख़ुद में क्या होता है ना, देखो अगर मन में सोच लो ना कि आज करना है करना है, तो हो ही जाता है, और थोड़ी मुश्किल होती है सफाई करने में, लेकिन जब सफाई हो जाती है ना तो खुद से ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ना थोड़ा सा देखो मेरा ना आवाज़ बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, थोड़ी आइसक्रीम वगैरह खा ली थी तो कोल्ड, तो उस वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा ये हो गई है, बट कोई ना, अब मतलब तबीयत वगैरह तो ख़राब होती ही रहती है, बट मैंने मेडिसिन मतलब ले लेती हूँ, और जब मुझे आराम मिलता है ना तो मैं सीधा काम में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझसे ना ये नहीं होता कि मैं दिन भर सोई रहूँ, अगर तबीयत ख़राब है तो दिन भर तबीयत ख़राब है तो सोई रहूँ, मैं मतलब मेरा मन सही हो जाता है ना, तो मैं काम में फिर से लग जाती हूँ, और थोड़ा सा मतलब गला वगैरह भी थोड़ा मेरा ख़राब हो चुका है, क्योंकि क्या होता है ना आजकल फ्रिज का पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड में पी लेती हूँ, आइसक्रीम वगैरह खा लेती हूँ गर्मी की वजह से, तो इस वजह से हो रहा है। तो देखो ये भी मैं साफ़ कर रही थी, यहाँ पे भी ना क्या होता है ना, काम वगैरह करो ना तो ये सब ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मैंने ना सर्फ का मैंने पानी ले लिया था, उसमें डबा डबा के और सबको मैं क्लीन कर रही थी, तो अच्छे से ऐसे भी ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और देखो सारा किचन मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है गाइज, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने क्लीन कर दिया फाइनली, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। तो देखो बर्तन भी कुछ क्लीन कर दिया, कुछ बर्तन मुझे और ना यहाँ पे मांजने थे, तो मैंने सिंक में देखो डाल दिया है, तो मैं करती हूँ थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि मतलब अभी वो भी बर्तन क्लीन करके दिखाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने चावल के डब्बे और आटे वाले सब मैं यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि डब्बे बड़े हैं। गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ किचन साफ करते करते, और नाइट को कर रही हूँ क्योंकि डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका, तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से, क्योंकि यहाँ पे एक दिन ना बहुत तेज़ आंधी आई थी, तो देखो वो विंडो जो है ना ऊपर से ओपन ही है, वहाँ पे हम लोगों को अभी वहाँ पे चिमनी वगैरह लगवाना है, तो ओपन नहीं रखा हुआ है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ से डस्ट वगैरह आ गया था। तो वैसे मैं रेगुलरली मतलब सफाई करते रहती हूँ, बट मैंने उसे मैंने बहुत दिनों से नहीं साफ़ किया हुआ था, तो उसे मैंने आज क्लीन किया और सब कुछ कर लिया। अभी मेड मेरी जो हाउस हेल्पर है वो नहीं आ रही है, तो उसकी तबीयत सही नहीं थी और मेरी भी तबीयत सही नहीं है, बट काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। ऐसे तो मैं नीचे रेगुलर ही साफ़ करती हूँ, तो देखो सारा मैंने एकदम क्लीन कर लिया है, कुछ भी खाना वगैरह कुछ भी नहीं बचा है, और बर्तन भी मैंने देखो क्लीन कर लिए हैं, और इधर भी सारा मैंने क्लीन कर लिया है। यहाँ पे मैंने मतलब यहाँ पे मैं रखती हूँ ये बड़े बड़े डब्बे ना, अंदर में नहीं रखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मुझे निकालने में, और ये सब भी सारा मैंने साफ़ कर दिया है। तो बताइए गाइस की वीडियो कैसी लगी गाइस, और मेरा मतलब ये तो हम लोग मेरा मतलब डेली का होता है, लेकिन इस तरह से डीप क्लीनिंग मैं मतलब रेगुलर नहीं करती हूँ, मंथ में ही करती हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी तकरीबन रात के 10:30 बज चुके हैं, क्योंकि दिन में ना बहुत भागम दौड़ मची रहती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो मैंने सोचा था कि नाइट को ही मैं करूँगी, तो फाइनली मेरा मतलब क्लीन हो गया किचन। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। आज देखो मैंने इस तरह का नेल पेंट लगाया हुआ है, और सारा नेल पेंट भी ख़राब हो गया, देखो मैंने इस पर इस टाइप से लगाया था, इसमें भी लगाया था। देखो किचन साफ करते करते ना अजीब सा हो गया मेरा मतलब नेल पेंट, बट कोई नहीं, काम तो करना ही है। तो बताना आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ सपोर्ट करना, वीडियो को वॉच कर लेना। और अब मैं ना क्या करूँगी, मैं अभी नहाऊँगी और उसके बाद ही मैं सोऊँगी, और अभी डिनर वगैरह तो हो चुका है, तो बट मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, फेस से भी लग रहा होगा मेरे ना आजकल बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं
क्योंकि आजकल मैं सफाई ज़्यादा कर रही हूँ। मैंने एक दिन छत भी क्लीन वगैरह किया था बट वीडियो मैंने नहीं बनाया। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है वीडियो बनाने में, आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते। सब जगह वीडियो मतलब कि वो सेट करो कैमरा, फिर सफाई करो या कोई भी वीडियो बनाओ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और आप लोग कोई सपोर्ट वोट करते नहीं, देखते नहीं, तो कभी कभी मन नहीं करता कि क्या बनाऊँ। इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। और मुझे एक बात बोलनी थी कि जो भी प्लीज़ मेरी वीडियो पे आते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं जो बेल आइकन है ना उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। गाइज, आप बहुत लोग आते हैं वीडियो वॉच करते हैं, मैंने चेक किया है, बट वो वीडियो को ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और ऐसे सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं कि सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो वॉच ही नहीं कर रहा, तो वैसे सब्सक्राइब करने से तो कोई फायदा नहीं है। तो जो भी न्यू आते हैं ना, तो प्लीज का कोई पैसा नहीं लगता है, और उसमें जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस करिएगा, ताकि मेरी जितनी नोटिफिकेशन है ना वो आपके एकदम मोबाइल स्क्रीन पे सबसे पहले आ जाएगी। तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल लव यू।